स्वागत करते हैं दोस्तों अपने ही यूट्यूब चैनल डीबी परफेक्ट न्यूज़ में। जी हां दोस्तों, मौसम को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पश्चिमी यूपी में कोहरे के बाद निकली धूप, 8 फरवरी को फिर मौसम बिगड़ने के आसार। जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में, जुड़े रहिएगा डीबी परफेक्ट न्यूज़ के साथ। आखिरकार 8 फरवरी को मौसम कैसा रहेगा, उससे पहले बता दें यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में सोमवार सुबह के समय हल्की धुंध के साथ फिर से धूप खिल गई। बताया गया कि दिन भर धूप रहेगी और हवा भी चलती रहेगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाह का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र पर फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 8 फरवरी की रात को दिखाई देगा। जी हां दोस्तों, कुछ स्थानों पर मौसम बिगड़ भी सकता है। वहीं बारिश और कोहरे के बाद रविवार को दिन में चटक धूप निकली। सुबह के समय हल्के कोहरे के बाद दिन पूरी तरह साफ रहा और तापमान भी बढ़ता चला गया। जी हां दोस्तों, दो दिन में करीब 8 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हुई है। और बता दें कि दोस्तों शाम को सूरज ढलने के बाद मौसम ठंडा हो गया। मौसम कार्यालय पर दिन का अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री व न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री रिकॉर्ड लिया गया। जी हां दोस्तों, एक दिन पहले ही अपेक्षा दिन के तापमान में 3.2 डिग्री की बढ़ोतरी व रात के तापमान में 1.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एन सुभाष का कहना है कि दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। बताया था कि सोमवार को सुबह के समय कोहरा छाएगा, जबकि धूप भी निकली रहेगी। जी दोस्तों, और दोस्तों आपको बता दें कि अगले कुछ घंटों के बाद यूपी में फिर से बारिश होने की संभावना है। तो ये तो छोटा सा वीडियो, पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने यार दोस्तों में शेयर करना। और ऐसे ही रोजाना मौसम समाचार से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।